गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड द क्लास इज 7. सो स्टूडेंट, यू लिसन माई वर्ड केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्टली आई वॉन्ट टू टेल अबाउट ऑन योर सिलेबस. योर सिलेबस डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एंड द फर्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री. ओके स्टूडेंट, यू सी ऑन द टॉप कंटेंट. फर्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री एंड द फर्स्ट चैप्टर इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर्स. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर. ओके, यू सी ऑन द टॉप द फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर. मीन्स हमें हजारों साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में पता लगाना है. ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है. कैसे जानेंगे कि हजारों साल पहले क्या हुआ था. ओके स्टूडेंट, अब फर्स्ट लाइन देखिए, जस्ट उसके नीचे इन द प्रीवियस क्लास. ओके, इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट पीरियड. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्राचीन काल के बारे में पढ़ा है. ठीक है, एंशियंट पीरियड के बारे में हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, पिछले क्लास में. ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया एंड एंशियंट सिविलाइजेशन. ओके, हम लोगों ने डिस्कस किया है प्राचीन भारत के हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के बारे में, कैसे लोग वहाँ रहते थे, वहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया है, डिस्कस किया है. अब नेक्स्ट लाइन देखिए, सिविलाइज ऑफ द सब कंटिनेंट फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ द 7th century AD. ओके, हम लोगों ने प्राचीन काल के भारत के सिविलाइजेशन, उपमहाद्वीप, सब कंटिनेंट का मतलब होता है उपमहाद्वीप, प्री हिस्टोरिक पीरियड, सबसे पहले जो हिस्टोरिक एरा आया था, ऐतिहासिक काल आया था, उसका अध्ययन हमने 17th century में, 17वीं शताब्दी में किया है. ठीक है, 17वीं शताब्दी में हमने इंडिया के प्राचीन समय के हिस्टोरिकल एरा के बारे में पढ़ा है. एडी का मतलब सब समझ रहे हैं, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मीन्स ईसा के जन्म का साल. ईसा मसीह जिस साल जन्म लिए थे उसी साल से एडी शुरू होता है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, इन दिस क्लास वी शैल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल पीरियड. तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, मध्यकालीन भारत के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट लाइन देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट द टाइम स्पैन ऑफ मेडिवल पीरियड डिफर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंट पार्ट में मध्यकाल का जो समय था वो हर जगह अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है. ठीक है, ऐसा नहीं इंडिया में जैसा था दूसरे जगह भी वैसा ही होगा, हर जगह अलग होता है. नेक्स्ट लाइन देखिए, इन यूरोप द मेडिवल पीरियड वॉज बिगन इन 6th century AD. यूरोप में यह मध्यकाल का समय कब से शुरू हुआ था, 6th शताब्दी में. ओके, इंडेड इन द 15th century, और यह 15वीं शताब्दी में ख़त्म हो गया. यूरोप में 6th शताब्दी में शुरू हुआ और 15वीं शताब्दी में ख़त्म हो गया. ओके, बट इन इंडिया दिस पीरियड बिगेन विद द 8th century AD. और इंडिया में मध्यकाल का समय 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ, इंडेड इन द 18th century AD, और 18वीं शताब्दी में ख़त्म हो गया. ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया सो मैनी रिमार्केबल चेंजेस इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल. इस मध्यकाल के समय, मध्यकालीन भारत में, इंडिया में बहुत सारे असाधारण चेंजेस हुए. किस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में. ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हुए. अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री. ओके,
भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता है इतिहास में भौगोलिक प्रभाव क्या क्या पड़ा था उसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट लाइन देखिए, द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ अ रीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स इट्स हिस्ट्री। ओके, तो ज्योग्राफिकल कंडीशन जो होता है किसी भी रीजन का, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस जगह को प्रभावित करता है। ठीक है, भौगोलिक प्रभाव, भौगोलिक स्थिति जो होता है किसी भी क्षेत्र का, वो एक दूसरे से जुड़ा होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो द ज्योग्राफी ऑफ द सब कंटिनेंट हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इट्स हिस्ट्री। ओके, इंडिया के केस में, ठीक है, इंडिया हमारे देश में द ज्योग्राफी ऑफ सब कंटिनेंट, उपमहाद्वीपों का जो ज्योग्राफी है, भौगोलिक स्थिति है, वो हमारे हिस्ट्री पे बहुत ही प्रभाव डालता है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, ज्योग्राफी डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया। ज्योग्राफी डिटरमाइन करता है, ठीक है, निर्धारित करता है उस पार्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट को, विकास को। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, द एरिया वेयर द एनवायरमेंट इज फेवरेबल आर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, वैसा एरिया जहाँ जो फेवरेबल होता है वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है, वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। देयर कल्चर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई आउटसाइड इन्फ्लुएंस और फॉरन ट्रैवलर्स। और वहाँ का जो कल्चर होता है, जो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ का कल्चर जो है फॉरेनर्स को, ट्रैवलर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, ऑन द अदर हैंड द प्लेसेस विद एन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। और वैसा प्लेस जो अनफेवरेबल हो, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हो, मतलब हमारे अनुसार नहीं हो, लोगों के अनुसार नहीं हो, तो वो एरिया कम पॉपुलेटेड होता है, वहाँ कम लोग रहते हैं। और वहाँ द कल्चर दैट डेवलप्स हियर इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंस। और वहाँ का जो कल्चर है आउटसाइडर्स को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मैप्स एंड मेडिवल इंडिया। अब नक्शा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मध्यकालीन भारत के नक्शा, मध्यकालीन भारत और उसके मैप्स के बारे में पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट लाइन देखिए, द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफी। नक्शा के बनाने के आर्ट को, कला को, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। अ पर्सन हु स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग और यूज टूल्स एंड टेक्निक्स टू मेक न्यू मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफर। वैसा आदमी जो ऐतिहासिक काल में किस तरह से मैप्स को बनाया जाता था और कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते थे, उस टेक्निक को जानकर, पता लगाकर, जो नया तरीका होता है मैप्स बनाने का, वो नया तरीका अपनाता है, उसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। ओके, वैसा पर्सन जो ऐतिहासिक काल में पता लगाता है कि मैप कैसे बनाया जाता था और नई टेक्निक्स का उपयोग करके जो नक्शा वो अभी बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उस पर्सन को, बनाने वाले पर्सन को, नक्शा बनाने वाले पर्सन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, इन एंशियंट इंडिया पीपल डिड नॉट नो अबाउट कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग। प्राचीन काल में इंडिया के लोग, प्राचीन काल में इंडियंस पीपल नहीं जानते थे कि नक्शा कैसे बनाया जाता है। ओके, इनफैक्ट द वर्ल्ड वाइड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड क्रिएटेड द नीड और एक्यूरेट मैप। ओके, लेकिन पूरे संसार में ग्रोथ, व्यापार का बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रहा था और साम्राज्य को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मध्यकालीन भारत में, ठीक है, उस टाइम इस सब चीज़ों को जानने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मैप्स का बहुत ही ज़रूरत था। ओके, अपने व्यापार को बढ़ाना है, साम्राज्य को बढ़ाना है, तो उसके लिए लोगों को नक्शा की ज़रूरत पड़ने लगी। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, द अरब एंड द यूरोपियंस वेयर द फर्स्ट हु डेवलप्ड द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी। अरब के लोग और यूरोपियों ने सबसे पहले साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डेवलप किया। ठीक है, नक्शा कैसे बनाया जाता है उसका विकास किन्होंने किया?
उसकी जानकारी किन्होंने दी? अरब्स और यूरोपियंस ने। दे फील्ड नीड फॉर मैप्स बिकॉज दे ऑफन अंडरटूक लॉन्ग जर्नीज ओवर लैंड एंड सीज। ओके, तो दे फील्ड, उन्होंने महसूस किया कि अगर हम लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, लंबी यात्रा पे जाते हैं समुद्र के द्वारा या लैंड के द्वारा, तो इस टाइम हमें नक्शा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन देखिए, कॉन्टैक्ट विद द अरब्स एंड यूरोपियंस हेल्प्ड इंडियन टू लर्न अबाउट कार्टोग्राफी। ओके, इंडियंस ने कॉन्टैक्ट किया अरबियंस और यूरोपियों से क्या करने के लिए, नक्शा कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए उन्होंने अरब्स और यूरोपियों से क्या किया, कॉन्टैक्ट किया। ओके ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पेज पे आइए। यहाँ देखिए नक्शा दिया हुआ है, मैप फर्स्ट, सबसे पहला नक्शा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्रॉ जियोग्राफर अल इद्रिस। ओके, सबसे पहला मैप दिया गया है जो जियोग्राफर अल इद्रिस के द्वारा बनाया गया था। इंडिया का सबसे पहला नक्शा, उपमहाद्वीपों का सबसे पहला नक्शा अल इद्रिस नामक आदमी के द्वारा, जियोग्राफर के द्वारा बनाया गया था। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पेज में आइए। फर्स्ट लाइन देखिए, अन अरब जियोग्राफर अल इद्रिस मेड अ वर्ल्ड मैप इन 1154। अरब का एक जियोग्राफर था, अल इद्रिस नाम है उसका, जिसने सबसे पहले वर्ल्ड का मैप बनाया था, कब, 1154 में। ओके, मैप फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड मैप दैट शोज अ डिटेल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैप फर्स्ट में, ठीक है, मैप फर्स्ट वर्ल्ड मैप का पहला पार्ट है जिसमें इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को डिटेल में दर्शाया गया है। ओके, सेकेंड लाइन देखिए, मैप टू वॉज मेड बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर। मैप टू देखिए यहाँ पे है, ये मैप टू है। ओके, और ये मैप फर्स्ट है। ठीक है, तो मैप फर्स्ट में इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है, और मैप सेकेंड को फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720 में बनाया था, नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप फर्स्ट। पहला मैप के 600 साल बाद, ठीक है, 1720 में दूसरा मैप बनाया गया। दिस वॉज पार्ट ऑफ अन एटलस, यह एटलस का पार्ट है। ठीक है, नोवो ऑफ ग्विलेन। ओके, नोवो ऑफ गो डी इल्स। ठीक है, नोवो जो है ये मैप का नाम है। ठीक है, पहला मैप था, नहीं सेकेंड मैप है, देखिए यहाँ पे मैप सेकेंड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नोवो, नोवो बुक का नाम है। ठीक है, जिसे किसने बनाया था, गो, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा गो ओ डी इल्स ने। ओके, ऑल दो बोथ द मैप्स, अब नीचे की लाइन देखिए यहाँ पे, ऑल दो बोथ द मैप्स शो द सेम एरिया। ओके, ऐसे तो दोनों मैप्स सेम एरिया दिखाते हैं, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इंडिया के जो महाद्वीप हैं दोनों मैप्स में, उन दोनों मैप्स में थोड़े थोड़े डिफरेंट है। ओके, अब देखिए फर्स्ट मैप के बारे में बताया गया कि पहले मैप में क्या दिखाया गया है, क्या कहा गया है। ओके, मैप फर्स्ट शोज द साउदर्न इंडिया एंड श्रीलंका ऑन द टॉप। मैप फर्स्ट में दिखाया गया है साउदर्न इंडिया को और श्रीलंका को टॉप में, दैट इज इट रेफर नॉर्थ इंडिया एज साउथ इंडिया, जो रेफर होता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया से। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, व्हाइल दिस इज नॉट द केस इन मैप टू, लेकिन ऐसी बात नहीं है मैप टू में,
मैप टू में ऐसा नहीं है, हियर साउथ इंडिया एंड श्रीलंका आर गिवन एट द बॉटम ऑफ द मैप। तो मैप फर्स्ट में साउथ इंडिया और श्रीलंका को टॉप पे दिखाया गया और मैप टू में सबसे नीचे दिखाया गया श्रीलंका और साउथ इंडिया को। क्वेश्चन सेकेंड लाइन देखिए, सेकेंड पैराग्राफ, इन मैप फर्स्ट द नेम्स ऑफ प्लेसेस आर मार्क्ड इन अरेबिक एंड सम वेल नोन नेम्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली। मैप फर्स्ट में कुछ प्लेसेस को अरेबिक लेटर में दिखाया गया है और कुछ नेम्स को, कुछ ऐसे नेम हैं जो हम लोग अच्छे से जानते हैं लेकिन उसको स्पेलिंग जो उसका बहुत ही डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, व्हाइल द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैप टू इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कंटिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली, मैप टू इज मोर फैमिलियर टू अस। ओके, लेकिन व्हाइल एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैप टू, लेकिन मैप टू में जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उपमहाद्वीपों में जो भी चेंजेस किए गए हैं, ओके, ये हमें, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमारे लिए बहुत फैमिलियर है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, मैप टू को हम अच्छे से समझ लेते हैं लेकिन मैप वन को, फर्स्ट को हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, थस वी फाइंड द कार्टोग्राफी इन दीज टू पीरियड्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों कार्टोग्राफर जो हैं वो डिफरेंट पीरियड में मैप्स को बनाए थे, ठीक है, और ये इसलिए ये मैप एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, दैट इज़ व्हाई व्हाइल स्टडिंग डॉक्यूमेंट मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट हिस्टोरियन टेक इनटू अकाउंट द कंटेक्स्ट इन विच अ पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन वॉज प्रोड्यूस्ड। ओके, तो इसलिए जब हम लोग डॉक्यूमेंट मैप्स और टेक्स्ट पास्ट के बारे में हम लोग मैप को देखकर, ठीक है, पास्ट के बारे में हम लोगों को कैसे जानकारी मिलती है, इन डॉक्यूमेंट्स के बाद से मैप्स के बारे में, इन टेक्स्ट को देखकर हम लोग पास्ट के अकाउंट के बारे में जान सकते हैं या उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है परिभाषा, डिफिनेशन, नए और पुराने डिफिनेशन। ओके, फर्स्ट लाइन देखिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन मैनी लैंग्वेजेस। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, रहता है, बट वी ऑब्जर्व दैट दिस लैंग्वेजेस हैव चेंज ओवर द ईयर। लेकिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि टाइम टू टाइम ये लैंग्वेजेस चेंज होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मेडिवल पर्शियन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। तो हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल में जो पारसी लोग, पारसी थे, वो बहुत ही डिफरेंट है मॉडर्न पारसी से, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज है, पारसी लैंग्वेज जो था मध्यकाल का, ठीक है, वो बहुत ही डिफरेंट है मॉडर्न पारसी से। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, दीज चेंजेस हैव अकर्ड नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी बट इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो। ये सभी चेंजेस सिर्फ ग्रामर या शब्दावली में ही नहीं मिलते हैं लेकिन बहुत सारे वर्ड्स में भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, फॉर एग्जाम्पल, द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान है चेंज ओवर द सेंचुरीज इन द वे, इन मैनी वेज। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि टर्म हिंदुस्तान जो है वह सेंचुरी टू सेंचुरी, सेंचुरी वाइज हमेशा चेंज होते रहता है। ओके, अब नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट लाइन देखिए, इन द 13th सेंचुरी एडी मिनहाज ए सुराज, ठीक है, मिनहाज ए सुराज सिराज अ पर्शियन राइटर, 13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज नाम का एक पारसी राइटर था एंड हिस्टोरियन मिंट बाय हिंदुस्तान द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना।
मिनाज ए सिराज नाम का पारसी राइटर था, हिस्टोरियन था, जिसने हिंदुस्तान के एरिया पंजाब हरियाणा और द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, गंगा और यमुना के बीच में जो भी भूमि है उसके बारे में लिखा है। ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल सेंस, उसने इस टर्म को राजनीतिक शब्द में लिखा है, ठीक है। और फॉर लैंड्स दैट कम अंडर द दिल्ली सल्तनत, और ये सभी जगह दिल्ली सल्तनत के अंदर आते हैं, ठीक है। उसने इन सभी टर्म्स को पॉलिटिकल शब्दों में लिखा है। ठीक है, उसने इन सभी टर्म्स को पॉलिटिकल शब्द में लिखा है और ये सभी दिल्ली सल्तनत के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया ज्योग्राफी में, द फौना एंड द कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फौना का मतलब होता है जंतु, कल्चर वहाँ के कल्चर के बारे में, फौना जंतु और कल्चर संस्कृति के बारे में, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासियों के बारे में, वहाँ पे लोग कैसे रहते थे उस सब कॉन्टिनेंट उस उपमहाद्वीप के बारे में, इन सब चीज़ों को उसने ज्योग्राफी में डिस्क्राइब किया था। ओके, नेक्स्ट लाइन, अमीर खुसरो 14th सेंचुरी पोएट यूज द टर्म हिंद इन द सिमिलर वे, तो अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में हिंद शब्द को, वो एक कवि था अमीर खुसरो, एक कवि था, उसने हिंद शब्द को क्या किया था, टर्म हिंद शब्द को अपने कविता में लिखा था। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, इट डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल मीन, इसका कोई भी पॉलिटिकल मीनिंग नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, बट टुडे वी अंडरस्टैंड हिंदुस्तान अ मॉडर्न नेशन स्टेट, लेकिन आज हम लोग हिंदुस्तान को एक मॉडर्न नेशन या स्टेट के रूप में जानते, नया राष्ट्र के नाम से जानते हैं। द टर्म डज पॉलिटिकल एंड नेशन मीनिंग, ठीक है, और इसका द टर्म डज कैरी पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग, और उस काल में राजनीतिक स्तर पे इसका यूज़ किया जाता था, उस टाइम इस टर्म को उस टाइम हिस्टोरिकल पीरियड में राजनीतिक स्तर पे यूज़ किया जाता था। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, सिमिलरली द टर्म फॉरेनर हैड अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम वॉज फ्रॉम वाट इट हैज़ टूडे, तो उसी तरह टर्म फॉरेनर जो होता है उसका डिफरेंट मीनिंग है आज टुडे, आज के समय में इट इज़ यूज्ड टुडे फॉर समवन हु इज नॉट अन इंडियन बट इन द मेडिवल पीरियड। देखिए, टर्म फॉरेनर को जो है उस टाइम किस चीज़ से जाना जाता था कि वो इंडियन नहीं है, ओके, बट इन द पीरियड ओके फॉरेनर शब्द को आज हम लोग डिफरेंट मीनिंग से जानते हैं, लेकिन उस टाइम मेंडिबल पीरियड में इसे क्या कहा जाता था, कैसे डिस्क्राइब किया जाता था कि वह इंडियन नहीं है, वैसा आदमी जो इंडियन भारतीय नहीं हो। ओके, हम देखिए, बट इन मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर मीन्ट अ स्ट्रेंजर हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द विलेजर्स और टाउन ड्वेलर्स, ठीक है। लेकिन मेडिवल पीरियड में फॉरेनर को क्या कहा जाता है, स्ट्रेंजर, और वैसा आदमी जो विलेज और टाउन से, गांव से, कस्बा से, टाउन ड्वेलर होता है, छोटा गांव या कस्बा वहाँ से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखिए, ही एंड सी वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ विलेज, ओके, वैसा आदमी जो विलेज का पार्ट नहीं हो, सोसाइटी और कल्चर इन, हाँ, वैसा आदमी जो विलेज, सोसाइटी और कल्चर का पार्ट नहीं हो। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज, इन हिंदी में इस टर्म को परदेसी भी कहा जाता है या यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब सच पर्सन, हिंदी में ऐसे आदमी को डिस्क्राइब करने के लिए परदेसी कहा जाता है, एंड इन पारसी में अजनबी, ओके, पारसी में से अजनबी कहा जाता है, नोटेबली टू पर्सन लिविंग इन द सेम विलेज और टाउन वेयर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर इवन थ्रू दे मे हैड डिफरेंट कास्ट और रिलीजन,
नोट करने वाली बात यह है कि 2% जो होते हैं वो सेम विलेज में से रेफर करते हैं, टाउन से रेफर करते हैं, लेकिन फॉरेनर्स में ऐसी कोई बात नहीं होती है, उनका हर कुछ डिफरेंट होता है, कास्ट, रिलीजन, हर कुछ। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। ओके, हिस्टोरियन और उनके सोर्सेस के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, क्लूज एंड एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी राइट हिस्ट्री आर नोन एज सोर्सेस। वैसे क्लू और एविडेंस, वैसे क्लूज और सबूत होते हैं जिसके बेसिस पर हम हिस्ट्री और उसके सोर्सेस के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस टू लर्न अबाउट द पास्ट। इतिहासकार जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सोर्सेस का यूज़ करते हैं पास्ट को जानने के लिए। ओके, हिस्टोरियन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के स्रोतों का यूज़ करते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए। द सोर्सेस दे चूज डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। ये सोर्सेज जो होता है वो डिपेंड करता है उस समय, काल पे, नेचर पे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, जांच पड़ताल करने के बाद हमें पता चलता है। लाइक वाइज द एंशियंट पीरियड, द सोर्सेज ऑफ पीरियड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। जब हम लोग इन सभी चीज़ों की जांच पड़ताल करते हैं तो इसे डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में, एक आर्कियोलॉजिकल होता है पुरातात्विक विज्ञान और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज, पुरातात्विक सोर्स स्रोत और साहित्यिक सोर्स, ठीक है। साहित्यिक सोर्स, लिटरेरी सोर्सेज मतलब लिखा हुआ। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मीन्स पुरातात्विक सोर्सेज। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाई एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड द ऑब्जेक्ट्स फाउंड बेनिथ द ग्राउंड। ओके, आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? आर्कियोलॉजी द स्टडी ऑफ पास्ट, में पास्ट के बारे में स्टडी किया जाता है और इसमें कल्चर और उस टाइम के हिस्ट्री के बारे में एग्जामिन किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है, बिल्डिंग्स को ढूंढा जाता है या खुदाई करके कोई भी चीज़ को ग्राउंड के अंदर से निकाला जाता है, उसके बाद उसे पूरी तरह से विश्लेषण किया जाता है। ओके, इसी को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। अब देखिए, आर्कियोलॉजी सिंपल टर्म में, आर्कियोलॉजी उस जगह को, आर्कियोलॉजी द स्टडी ऑफ पास्ट, इसमें पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? या तो उस जगह पे जाके उस बिल्डिंग्स को देख के या उस जगह की खुदाई करके, ज़मीन की खुदाई करने से भी बहुत चीज़ अंदर में मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है, ठीक है, उस टाइम के पास्ट के बारे में। इसी को जो इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं या एग्जामिन करते हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, और जिस बुक में इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे देखिए, एमंग द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड ओके स्टूडेंट तो नेक्स्ट लाइन देखिए, अमॉन्ग द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन ऑफ द मेडिवल टाउन्स कैरवन शारेज विलेजेस हाईलाइट्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। जब भी हम लोग मध्यकालीन भारत के उत्खनन के बारे में पढ़ते हैं, मेडिवल टाउन्स के बारे में पढ़ते हैं, मध्यकालीन शहरों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें सोसाइटी के बारे में बहुत जानकारी मिलती है, सोसाइटी और कल्चर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, क्वाइंस, स्कल्पचर्स एंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ द मेडिवल पीरियड आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, जो भी तस्वीरें होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, क्वाइंस, सिक्के, स्कल्पचर्स और जितने भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ओके, जितने भी स्कल्पचर्स होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख होते हैं,
इन सभी के बारे में हमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है, कैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, खुदाई करने के द्वारा। ठीक है, भूमि की जब खुदाई करते हैं तो हमें, या उस साइट पे जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं, मेडिवल पीरियड मध्यकालीन भारत के उस साइट पे जाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, क्वाइंस, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस, इन सभी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है इन सभी स्रोतों से। हमें उस टाइम के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ओके स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों को वर्कशीट भेज दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, जहाँ तक हम पढ़ाए हैं वहीं तक क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको उस क्वेश्चंस को देखकर, बुक से देखकर बनाना है। ठीक है, क्वेश्चंस को बुक से देखकर ढूंढ कर लिखना है। ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।